हेलो बच्चों, अपस्कोर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित गुप्ता आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने एनिमल किंगडम के लेक्चर 2 में। लेक्चर 1 को देखने के लिए आप दिए गए हुए आई बटन पे क्लिक करके फिर से आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर 2, जो कि ये कॉर्डेटा से है। इसके पहले हेमिकॉर्डेटा तक मैंने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको क्लियर आएगा। तो फाइलम कॉर्डेटा से शुरू करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा से शुरू करते हैं। हेमिकॉर्डेटा तक हमने कवर कर लिया था। अब देखो, फाइलम कॉर्डेटा में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कई बार क्या करता है कि ये डायग्राम देके, फिगर देके, और इसमें से पूछता है कि ये लेबलिंग, तो ये क्या है, नर्व कॉर्ड है, ठीक है, ये क्या है, नोटोकॉर्ड है, और ये क्या है, पोस्ट एनल पार्ट है, और ये क्या है, गिल स्लिट है। तो लेबलिंग भी आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कैसा होता है, डॉर्सल होता है और हॉलो होता है। कैसा होता है, डॉर्सल होता है और हॉलो होता है, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता है, हेमिकॉर्डेटा में भी होता था, इसमें भी होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट्स में क्या होता है, सबसे पहला बेसिक डिफरेंस कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर्वस सिस्टम होता है जो कॉर्डेट्स में होता है, वो क्या होता है, डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। कैसा होता है, डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। लेकिन वही ये नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। पूछता है वेंट्रल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड किसमें पाया जाता है, तो नॉन कॉर्डेट्स में सिंगल डॉर्सल हॉलो किसमें पाया जाता है, कॉर्डेट्स में, ठीक। अब देखो ये फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये पाया जा सकता है इसमें, लेकिन एब्सेंट होता है। हर्ट इज वेंट्रल, हर्ट इज वेंट्रल मतलब आगे के साइड, ये आगे के साइड बॉडी जो होता है उसको वेंट्रल बोलते हैं। तो हर्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है कॉर्डेट्स में, और ये डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट है तब, जिस भी नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक। अब पोस्ट एनल टेल पार्ट इज प्रेजेंट, तो पोस्ट एनल टेल पार्ट, जैसा कि आपने फिगर में देखा कि ये पोस्ट एनल टेल पार्ट प्रेजेंट हो सकता है, तो पोस्ट एनल टेल पार्ट कॉर्डेट्स में प्रेजेंट हो सकता है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। अगला क्या है कि अब देखो कॉर्डेट्स को कैसे डिवाइड किया गया, तो सब फाइलम। पूछता है कि ये यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकॉर्डेटा या फिर वर्टिब्रा, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकॉर्डेटा या फिर वर्टिब्रा क्या है, सब फाइलम है, सुपर क्लास है या फाइलम है, तो क्या है, सब फाइलम है, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकॉर्डेटा को एक में करके क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक। अब देखो अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के, तो इसको मिला के पहले तो मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक। एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, कैसा होता है, एक्सक्लूसिवली मराइन। और देखो यूरोकॉर्डेटा में जो होता है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ लार्वल टेल में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, व्हाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, मतलब कि हेड टू टेल रीजन किसमें होता है, सिफेलोकॉर्डेटा में, और यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद क्या होता है, रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, persistent throughout the life मतलब पूरे life रहता है उसमें, बस larva में present होता है, ठीक। तो क्या difference हो गया कि larva में present होता है और उसमें पूरा persistent रहता है, पूरे body में present रहता है, head to tail, ठीक। उसका example Eurocordata का क्या होता है, Acidia, Salpa और Doliolum, और Cephalocordata का क्या होता है, Branchiostoma, जिसको बोलते हैं Amphiaxis या फिर Lancelet। बोलते हैं Lancelet किसका example है, तो Cephalocordata का। इसमें क्या होता है, Notochord present from head to tail region and throughout their life, Notochord present from head to tail region throughout life, Cephalocordata, Notochord present only in larval tail in Eurocordata, example Acidia, Salpa, Doliolum, और Cephalocordata का एग्जांपल हो गया आपका ब्रांकियोस्टोमा, जिसको बोलते हैं लैंसलेट। याद रखिए लैंसलेट, कई बार पूछता है लैंसलेट क्या होता है, बच्चों को याद ही नहीं रहता, ब्रांकियोस्टोमा याद रहता है, ठीक। ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, फिगर देके पूछेगा कि ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूरोकॉर्डेटा के फीचर्स से देगा, ठीक। अगला देखते हैं, अगला आप देखो फिर वही वर्टिब्रा को कैसे डिवाइड किया गया है, तो दो डिवीजन होता है। पूछता है एग्नाथा क्या है, एग्नाथा डिवीजन है कि सब फाइलम है कि फाइलम है, तो एग्नाथा क्या है, डिवीजन है, ठीक। गैनाथोस्टोमा क्या है, ये भी डिवीजन है, ठीक। अब पूछता है पाइसेस क्या है और टेट्रापोडा क्या है, तो ये क्या है, सुपर क्लास,
ठीक, पाइसेस क्या है और टेट्रापोडा क्या है, सुपर क्लास। पूछता है हर बार क्वेश्चन, पूछता है कि ये कौन सा सुपर क्लास है, कौन सा सब फाइलम है, कौन सा डिवीजन है, तो सब आपको टिप पे रहना चाहिए। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, एग्नाथा क्या है, डिवीजन है, पाइसेस क्या है, सुपर क्लास है। बोल देगा ऑस्टियोसाइट क्या है, सुपर क्लास है कि डिवीजन है कि फाइलम है, तो ऑस्टियोसाइट क्या है, क्लास है। एम्फीबिया क्या है, क्लास है। इस तरह से साइक्लोस्टोमा क्या है, क्लास है। ठीक, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला जो क्लास, हमने एक क्लास को पढ़ते हैं क्लास वाइज, और साइक्लोस्टोमा। सबसे पहले साइक्लोस्टोमा देखो। अब इसमें क्या होता है कि ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द साइक्लोस्टोमा आर एक्टोपैरासाइट्स। क्या होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, मतलब कि किसी पे लीव करते हैं, उसमें कहते हैं फिशेस पे, एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस। अब देखो पूछता है कि कितने पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स स्लिट्स। ऑप्शन में दे देगा 20 से 40, 40 से 50, 6 to 15। कितना, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट इन साइक्लोस्टोमा। ठीक, हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिर्फ रेस्पिरेशन। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस, विदाउट जॉस। एग्नाथा है तो विदाउट जॉस, ठीक, विदाउट जॉस। ठीक, अब देखो अगला फीचर क्या है, डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होता है इसमें, ठीक, स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होता है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है, कार्टिलेजनस होता है। कैसा होता है, कार्टिलेजनस होता है। पूछता है क्रेनियम और कार्टिलेजनस कैसा होता है, तो कार्टिलेजनस होता है, बोनी नहीं होता है। ठीक, अगला क्या होता है, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। पता है आपको, साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। तो मतलब ये मराइन होते हैं लेकिन फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो क्या होता है कि आफ्टर स्पॉनिंग विथ इन फ्यू डेज दे डाई। स्पॉनिंग के कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं और जो लार्वा होता है वो फिर से मेटामॉर्फोसिस करके फिर से ओशियन में चला जाता है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, मराइन होते हैं लेकिन फ्रेश वाटर जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्पॉनिंग करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जो लार्वा होता है वो फिर से अपना आ जाता है ओशियन में और ये स्पॉनिंग के बाद कुछ दिन बाद मर जाते हैं। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे और मिक्सिन हैगफिश। पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, मिक्सिन हैगफिश, ये एग्जांपल, ये फिगर, मतलब फिगर दे देगा, पूछेगा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगला जो क्लास है वो क्या है, कौन सा क्लास है, कॉन्ड्रेसाइट्स। कॉन्ड्रेसाइट्स में अब देखो, कॉन्ड्रेसाइट्स और जिसकी अगला वाला ऑस्टियोसाइट्स में काफी डिफरेंस है, जो डिफरेंस हर बार कुछ ना कुछ पूछता है। तो ये सबसे पहले फिगर आपको याद रहना चाहिए कि फिगर ये कॉन्ड्रेसाइट्स का है, ऑस्टियोसाइट्स का नहीं। कॉन्ड्रेसाइट्स में किसका, स्कॉलिडन। स्कॉलिडन को क्या बोलते हैं, डॉग फिश, और प्रिस्टिस को क्या बोलते हैं, सॉ फिश। कौन सा स्कॉलिडन है, कौन सा प्रिस्टिस है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। पूछता है माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली या डॉर्सली, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। किसमें प्रेजेंट होता है, ये सिफेलोकॉर्डेटा में भी प्रेजेंट होता है, इसकी भी फीचर रेट हो गया। ठीक है, अब गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम। गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं लेकिन ऑपरकुलम एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑपरकुलम इसमें एब्सेंट होता है लेकिन ऑस्टियोसाइट्स में ऑपरकुलम 4 पेयर प्रेजेंट होता है, वो आगे देखेंगे। ठीक, द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकोइड स्केल्स। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकोइड स्केल। क्या होता है इसमें, प्लैकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल्स। तो जो टीथ होता है वो कैसा बना होता है, प्लैकोइड स्केल्स का बना होता है, बैकवर्डली डायरेक्टेड। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू द एबसेंस ऑफ एयर ब्लेडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। पूछता है कि इसमें एयर ब्लेडर एबसेंट है तो क्या करना पड़ेगा, ये हमेशा स्विम करेंगे ताकि सिंक ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि पूछता है कि एब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर विथ दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, किसमें, कॉन्ड्रोसाइट की ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट। ठीक, अब अगला वाला है वो आपका है, देखो इसमें क्या है कि हर्ट इज, एक सेकेंड, हर्ट इज टू चैम्बर्ड। तो पूछता है हर्ट इज टू चैम्बर्ड इन कॉन्ड्रोसाइट, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ठीक, ऐसा नहीं कि दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ठीक है, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टॉर्पीडो। एग्जाम्पल पूछता है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स किस क्लास का है, तो कॉन्ड्रोसाइट क्लास है, सब फाइलम या डिवीजन नहीं, क्लास है कॉन्ड्रोसाइट। क्या है, कॉन्ड्रोसाइट क्लास है। ठीक,
एग्नाथा क्या है, डिवीजन है, ग्रैनथोस्टोमा क्या है, डिवीजन है, यूरोकॉर्डेटा क्या है, सब फाइलम है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग को क्या बोलते हैं, ट्राइगन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पीडो, पॉइजन स्टिंग, ट्राइगन, ठीक। अब पोइकोथर्मस कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट, मतलब पोइकोथर्मस मतलब वही होता है कि उनके बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, भाई आपको पता होगा वो। सेक्सेस आर सेपरेट, पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स, तो पेल्विक फिन्स में क्या होता है, क्लास्पर्स प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और क्या होते हैं ये वीवीपेरस होते हैं, ठीक, वीवीपेरस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्कॉलिडॉन, डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, क्रैकरडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क। पूछता है शार्क क्या है, मैमल है कि फिश है, तो फिश है, कौन सा फिश है, कॉन्ड्रियोसाइट है, कॉन्ड्रियोसाइट है, ओस्टियोसाइट नहीं है, ठीक। ट्राइगन स्टिंगरे, ट्राइगन स्टिंगरे फिगर आपको याद रखना है, कौन सा स्कॉलिडॉन है, कौन सा सॉफिश है, प्रिस्टिस है, ठीक। अगला ऑस्टियोसाइट, देखो अब ऑस्टियोसाइट में क्या है, फिगर फिर से इंपॉर्टेंट है, हिप्पोकैम्पस और कैटला का फिगर दिया हुआ है, हिप्पोकैम्पस और कैटला का फिगर दिया हुआ है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, उसमें हमने क्या पढ़ा था, माउथ इज मोस्टली वेंट्रल। दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय अपर कोलम, फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय अपर कोलम, और जो स्किन है वो कवर्ड बाय साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल, इसमें टीनॉइड स्केल होता है, और उसमें क्या होता है, प्लैकॉइड स्केल, किसमें होता है, कॉन्ड्रोसाइट में होता है, कॉन्ड्रोसाइट में होता है प्लैकॉइड स्केल, इसमें क्या होता है, टीनॉइड स्केल, ठीक। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बाउनेंसी, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ेगा। कॉन्ड्रोसाइट्स में क्या पड़ा था कि एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, ठीक है। हर्ट इज टू चैम्बर सेम है, दे आर कोल्ड ब्लडेड सेम है, सेक्सेस आर सेपरेट सेम है, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, उसमें क्या पड़ा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दे आर मोस्ट ओविपरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब देखो एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा मराइन है, एक्सोसाइटस, एक्सोसाइटस फ्लाइंग फिश मराइन है। पूछता है इसमें से मराइन कौन सा है, फ्रेश वाटर कौन सा है, ऑप्शन में कंफ्यूज करता है, तो मराइन कौन सा है, एक्सोसाइटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर कौन सा, लेबियो जिसको रोहू बोलते हैं, कतला, क्लेरियस, मागुर, एक्वेरियम में कौन सा आता है, बेटला जिसको बोलते हैं फाइटिंग फिश, और पेट्रोफाइलम जिसको बोलते हैं एंजल फिश। एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपको, एग्जांपल मराइन फिश का एक्सोसाइटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू, कैतला कैतला, क्लेरियस मागुर, और एक्वेरियम में बेटा जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, और पेट्रोफाइलम जिसको एंजल फिश बोलते हैं, ठीक। फिगर फिर से बोल रहा हूं, फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, हिप्पोकैम्पस है ये, और ये दूसरा है कैतला। हिप्पोकैम्पस किस में आता है, देख लो हिप्पोकैम्पस आता है मराइन में, ये फिगर दे देगा बोलेगा ये मराइन है कि फ्रेश वाटर है, तो मराइन है, ये फिगर दे देगा बोलेगा मराइन है कि फ्रेश वाटर है, तो ये फ्रेश वाटर है, ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये इनकी बॉडी जो डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में ही डिविजिबल होती है, ऑप्शन दे देगा हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक एंड थोरैक्स, हेड एंड ट्रंक एंड अब्डोमेन, तो सिर्फ हेड एंड ट्रंक में डिविजिबल होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, स्केल्स एब्सेंट होता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ड्रोसाइट्स में कौन सा स्केल होता है, प्लैकॉइड स्केल, और ऑस्टियोसाइट्स में टीनॉइड स्केल, ठीक। तो इसमें क्या होता है, स्केल्स एब्सेंट होता है, ठीक है। और टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर इन, पूछता है टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर इन, ऑप्शन दे देगा सेलेमेंड्रा या फ्रॉग दे देगा, या फिर एम्फीबिया का कोई भी एग्जांपल दे देगा, और तो वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर, ठीक। और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, तो ये सब किस में ओपन होते हैं, क्लोएका में ओपन होते हैं, ठीक। अब देखो अब इसमें पूछता है, एक बार नीट में क्वेश्चन आया कि रेस्पिरेशन इन फ्रॉग इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, तो ऑप्शन दिया सिर्फ गिल्स, सिर्फ लंग्स, सिर्फ गिल्स, लंग्स, स्किन, तीनों, तो तीनों से करता है, मतलब एनसीईआरटी की लाइन एकदम उठा के दे दिया, तीनों से करता है, आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक। द हर्ट इज थ्री चैम्बर्ड, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, दो चैम्बर्ड पढ़ा था, अब इसमें तीन चैम्बर्ड, पूछेगा तीन चैम्बर्ड में क्या होगा, दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल, दे देगा दो वेंट्रिकल एक ऑरिकल, तीन दो दो, तो लेकिन होता क्या है, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड अभी तक पढ़ा था, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होता है ओविपेरस, और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक। अब देखो
देखो एग्जाम्पल फिर से इंपॉर्टेंट है, ब्यूफो को क्या बोलते हैं टोड, राना को बोलते हैं राना टिग्रिना फ्रॉग, हाइला को बोलते हैं ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग पे कई बार क्वेश्चन आता है हाइला को बोलते हैं, सलमेंद्रा को बोलते हैं सलमेंदर, इस्टियोफिस, इस्टियोफिस पे क्वेश्चन कई बार आया, सबसे इंपॉर्टेंट इस्टियोफिस एग्जाम्पल है इसका लिम्बलेस एम्फीबियंस, बोलता है लिम्बलेस एम्फीबियंस कौन सा, इस्टियोफिस। अगले पेज पे आते हैं रेप्टिलिया क्लास, रेप्टिलिया में देखो सबसे इसका क्या होता है ये, अब देखो इसमें क्या होता है टेरेस्ट्रियल होता है आपको पता है, कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, इपिडर्मल स्केल्स और स्कर्ट्स, पूछता है जो स्किन होता है वो कॉर्निफाइड होता है स्किन और इपिडर्मल होता है, मेसोडर्मल कुछ भी दे देगा तीन चार ऑप्शन, इपिडर्मल होता है ठीक। अब उसके बाद क्या होता है एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग टिम्पैनम, ठीक है टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, उसमें भी यही होता है रेप्टिलिया में भी। और देखो और इसके बाद क्या होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट, किसमें होता है क्रोकोडाइल में। फिर पूछता है कि रेप्टिलिया के कौन से मेंबर में फोर चैम्बर्ड होता है, नॉर्मली तीन चैम्बर्ड होता है लेकिन क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हर्ट होता है ठीक। अगला क्या है स्नेक्स एंड लिजार्ड सेट देयर स्किल्स एज स्किन कास्ट, तो बोलता है स्नेक्स और लिजार्ड कैसे देयर अपने जो स्किन को बदलाव करते हैं तो स्किन कास्ट के फॉर्म में बदलाव करते हैं ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, देयर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये नॉर्मल है ये आपको पता रहना चाहिए ठीक। अब फिर से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, चिलोन को टर्टल बोलते हैं, टेस्टिडो को टोरटॉइस, कैमलियन को ट्री लिजार्ड, कैलोट्स को गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस को क्रोकोडाइल, एलिगेटर को एलिगेटर, हेमिडेक्टिलस को वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक पूछता है पॉइजनस स्नेक इसमें से कौन-कौन सा पॉइजनस स्नेक है, तो नाजा कोबरा बेंगेरस क्रेट और वाइपेरा वाइपर, तो पूरा एग्जांपल एक से एक रटा होना चाहिए तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार फिर से मैं एग्जांपल रिवाइज करा रहा हूं, एग्जांपल में बार-बार क्यों फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको एग्जांपल नहीं पता होगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइलम का पता होने के बाद भी एग्जाम्पल नहीं पता किस फाइलम का है तो कैसे कर पाओगे। तो चिलोन टर्टल, टेस्टिडो टोरटॉइस, कैमलियन ट्री लिजार्ड, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमिडेक्टिलस वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक में आता है नाजा कोबरा बेंगेरस क्रेट और वाइपेरा वाइपर ठीक। तो इसमें एक जो कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है वही आता है कि हाइला किसका है, हाइला ट्री फ्रॉग तो वो आपका किसका है एम्फीबिया का है, देखो हाइला ट्री फ्रॉग ठीक। अब देखो फिगर दे देगा बोलेगा ये किसका है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फिगर किसका है ठीक है। अब रेप्टिलिया में ये किसका है कैमलियन का फिगर है, कैमलियन को क्या बोलते हैं देखो ट्री लिजार्ड बोलते हैं, कैमलियन ट्री लिजार्ड बोलते हैं कैमलियन को ओके। तो पूछेगा ये किसका फिगर है, ट्री लिजार्ड का फिगर है कैमलियन का फिगर है, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइलस, चिलोन टर्टल टर्टल किसका टर्टल का फिगर तो पहचान ही जाओगे नाजा कोबरा ठीक। अब देखो अगले क्लास पे आते हैं, क्लास क्या है एप्स ठीक। कई बार लोगों को यही नहीं पता एप्स जो पढ़ रहे हैं वो क्लास है कि सब फाइलम है तो फिर वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कैसा होता है फ्लाइटलेस बर्ड होता है ठीक है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, पूछता है विंग्स आर मॉडिफाइड तो फोर लिम्स नॉट हाइंड लिम्स ठीक। द हाइंड लिम्स आर जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस, तो फोर लिम का मॉडिफिकेशन होता है स्विमिंग के लिए, हाइंड लिम का मॉडिफिकेशन सॉरी फोर लिम का मॉडिफिकेशन होता है विंग्स में, हाइंड लिम का मॉडिफिकेशन होता है किसके लिए स्विमिंग वॉकिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस ठीक। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल, तो स्किन होता है वो ड्राई होता है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, पूछता है ऑयल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द टेल, तो स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल ठीक। इंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, ऑसिफाइड बोनी होता है उधर हमने पढ़ा था कार्टिलेजिनस होता है ठीक। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, इसको क्या बोलते हैं न्यूमेटिक, पूछता है न्यूमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन एप्स ठीक। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स एज एडिशनल चैम्बर्स द क्रॉप एंड गिजर्ड, पूछता है क्रॉप एंड गिजर्ड एज एडिशनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसको ग्राइंडिंग मतलब क्रिस्पिंग करने के लिए हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, किसमें प्रेजेंट होता है एप्स में प्रेजेंट होता है। हर्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, हर्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, इसके पहले हमने रेप्टिलिया में क्या पढ़ा था कि तीन चैम्बर्ड हर्ट होता है लेकिन क्रोकोडाइल में चार चैम्बर्ड हर्ट होता है ठीक। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि आपके
जो कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स में दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होता है, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट इन रेस्पिरेशन। एयर सैक्स किस में प्रेजेंट होता है, कई बार क्वेश्चन आता है एयर सैक्स किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, जो थोड़ा आपको इसमें नहीं दिया, एक्सक्रीटरी में दिया है, बर्ड्स जो होता है वो यूरिकोटेलिक होता है। कैसा होता है, यूरिकोटेलिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बर्ड्स होता है, यूरिकोटेलिक होता है, और जो आपका मैमल्स होता है वो यूरियोटेलिक होता है। तो मैमल्स और बर्ड्स में कई बार डिफरेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यूरिकोटेलिक बर्ड्स होता है और यूरियोटेलिक आपका ह्यूमंस या फिर मैमल्स, ठीक। अब देखो फिर से एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल फिगर दे के पूछता है कि ये किसका है, तो ये नियोफ्रॉन, स्ट्रूथियो को ऑस्ट्रिच बोलते हैं, सिटिकला को पैरट बोलते हैं और पाओ को पिकॉक बोलते हैं, ठीक। अगला आपका क्या बचा, मैमल्स। तो मैमल्स के बारे में लगभग तो लोग जानते ही हैं कि इसमें मैमारिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। एक जो फीचर जो थोड़ा सा आपको प्रेजेंट रहना चाहिए, देखो कि ऑर्निथेरस ओविपेरस होता है, ओवोविविपेरस, ठीक। मैमल्स नॉर्मली विविपेरस होते हैं, लेकिन आपके ओविपेरस कौन सा होता है, ऑर्निथेरैंकस प्लेटिपस और विविपेरस सब, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलियस, कैमल, मकाका, मंकी। तो एग्जाम्पल आपको सारे याद होने चाहिए, और एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए, ये दोनों क्या है, एक आपका बेलिनोट्रा ब्लू वेल और एक आपका डेलिफेनस कॉमन डॉल्फिन। ये लोगों को लगता है कि डॉल्फिन और ब्लू वेल ये आपका क्या है, मैमल्स है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये फिश है या कॉन्ड्रोसाइट या ऑस्ट्रोसाइट है, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको सारे फीचर्स इसके पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो हेयर प्रेजेंट होता है, आपको पता है, पिन्ना भी प्रेजेंट होता है। आपको इससे पहले पढ़ा था कि एक्सटर्नल ईयर में टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है कि पिन्ना प्रेजेंट होता है। उसके बाद सारा देखो ये क्या होता है, होमियोथर्मस होता है, आपका बर्ड से ही होमियोथर्मस शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके पहले पोकियोथर्मस था, कोल्ड ब्लडेड थे, ठीक। रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये सब नॉर्मल फीचर्स हैं, ठीक। अब देखो अब ये आपका एग्जाम्पल, देखो ये फिगर किसका है, ऑर्निथोरिंकस, पूछता है ऑर्निथोरिंकस का ये किस क्लास का है, तो मैमल्स, ठीक। मैक्रोपस ये किस क्लास का है, ये भी आपका मैमल्स। टीरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, टीरोपस में कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये बर्ड्स तो नहीं है, फ्लाइंग फॉक्स नहीं, टीरोपस क्या है, मैमल्स है, ठीक है। बेलिनोप्टेरा ब्लू वेल, बेलिनोप्टेरा क्या है, ब्लू वेल, ये भी मैमल्स है, फिश नहीं है, ठीक। अब देखो एक समरी जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये समरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या होता है, पूरा पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक, नाइसन पॉरीफेरा में, सिलेंट्रेट्स में टिश्यू, टीनोफोरा में टिश्यू, ऑर्गन प्लेटीहेलमेंथिस में, ऑर्गन सिस्टम एस्क्लिमेंथिस से पूरा, उसके बाद इसमें रेडियल सिमेट्री और प्लेटीहेलमेंथिस से लेके पूरा आपका बायलेटरल सिमेट्री, यहां क्वेश्चन बन गया रेडियल सिमेट्री, यहां बायलेटरल सिमेट्री आपका, फिर उसके बाद देखो सीलोम अब्सेंट, ये एसिलोमेट होता है, ये सीडोसिलोमेट होता है, और ये आपका सीलोमेट होता है फिर, ठीक। अब देखो सेगमेंटेशन अब्सेंट प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट, तो किसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो गया, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ठीक। अब अगला डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट, इनकम्प्लीट, यहां से कंप्लीट, कहां से कंप्लीट, एस्क्लिमेंथिस से डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है आपका कंप्लीट, कहां से, एस्क्लिमेंथिस से, ठीक। मस्कुलर फायरिंग्स पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था, ठीक। अब देखो यहां से कंप्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट, यहां से अब्सेंट, यहां से प्रेजेंट, कहां से, एनिलीडा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से प्रेजेंट हुआ, एनिलीडा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से कंप्लीट हुआ आपका, आपको बताया एस्क्लिमेंथिस, और एनिलीडा से क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, प्रेजेंट। अब उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट, कहां से प्रेजेंट हुआ, आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट हुआ, ठीक। बुक गिल्स, बुक लंग्स, ये सब पढ़ा था हमने, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। अब देखो डिस्ट्रिक्टिव फीचर्स
बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स. तो वाटर कैनाल सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? पॉरीफेरा में. वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? इकाइनोडर्मेटा में. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है टी निडेरियंस में. कॉम्प्लेंट्स सिलिएटेड होता है, आपको बताया था. टिनोफोरा में. फ्लैट बॉडी होता है, सकर्स होता है प्लेटी एलिमेंथिस में. ओपन ऑफन वॉर्म्स और ये इलांगेटेड होता है एस्क्लिमेंथिस, आपको बताया. सीडोसिलियम में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. और देखो बॉडी ये क्या नाम है, एनिलिडा में क्या होता है? बॉडी जो होता है रिंग फॉर्म में होता है, ठीक. अब देखो इकाइनोडर्मेटा में आपको बताया वाटर वास्कुलर सिस्टम सबसे कॉमन हो गया, और रेडियल सिमेट्री, ठीक. वाटर वास्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री. एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्री, लार्वा आर बायलेटरल सिमेट्री. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वार्म लाइक विद प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक हो गया आपका हेमिकोडेटा में. वार्म लाइक प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक. प्रोबोसिस क्या करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक. नोटोकॉर्ड हॉलो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड गिल स्लिट्स विद लिम्ब और फिन्स, ठीक. तो नोटोकॉर्ड डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है किसमें? कॉर्डेट्स में. उसका उल्टा क्या होता है? नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक. तो अब आपका पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो गया. अब एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन और कोई डाउट्स हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे जुड़ जाइए. और जो भी नीड से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड और जो भी डाउट होगा वो हम इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक. थैंक यू.